वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ मुझसे हमेशा एक सवाल बहुत तवातर से किया जाता है कि भाई यूके आने का सबसे आसान तरीका क्या है और मेरा भी हमेशा एक ही जवाब होता है कि भाई यूके आने का सबसे आसान सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है स्टूडेंट वीज़ा और स्किल वीज़ा कैटेगरी या तो आप यहाँ पढ़ने आ जाएँ वरना किसी ऐसे स्पॉन्सर को ढूंढें जो आपको यहाँ स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करे मतलब अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है आप क्वालिफाइड हैं तो यहाँ पर किसी को ढूंढें जो आपको स्पॉन्सर करे आप इजिली यहाँ पर मूव कर सकते हैं विद योर फैमिली डिपेंडेंट्स लेकिन फिर मुझसे सवाल किया जाता है कि भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम स्टूडेंट वीज़ा अफोर्ड कर सकें यूनिवर्सिटी की फ़ीस अफोर्ड कर सकें और हमारे पास ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि हमें स्पॉन्सरशिप भी प्रोवाइड करे फिर क्या तरीका है फिर हम कैसे यू आ सकते हैं और क्या यह पॉसिबल भी है कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है जॉब एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास पैसे नहीं यू आने के ज़्यादा फिर भी आप यूके आ सके आज के ब्लॉग में मैं आपसे एक ऐसी ही वीजा कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ एक ऐसी वीजा कैटेगरी बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आप आसानी से यूके आ सकते हैं इस वीजा कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए ना आपको आइट्स की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है कि भाई आप फ्लुएंट हो तो इंग्लिश के अंदर ना आपको ऐसा चाहिए वर्क एक्सपीरियंस ना यहाँ पे कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट है ना ही आपको किसी किस्म के फंड दिखाने अपने बैंक के अंदर ना ही किसी किस्म की आपको इन्वेस्टमेंट करनी है आपने बस करना यह है कि इस वीडियो को पूरा देखना है लाइक शेयर एंड कमेंट करना आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है कंटेंट समझ में आता है इनफॉर्मेटिव लगती है वीडियो और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करना है बेल आइकन के के बटन को प्रेस करना है ताकि आने वाली आने वाली वाली फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे क्योंकि इसी तरह की डिफरेंट वीजा कैटेगरी पे आने वाली है जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप स्टूडेंट वीजा अफोर्ड नहीं कर सकते अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते स्किल वीजा कैटेगरी में अप्लाई करना तो आप कैसे यूके आ सकते हैं खैर जनाब चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ आज की जो वीडियो में आपको मैं कैटेगरी बताने वाली हूं जो यूके ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाई है डेट्स अ टेंप्रेरी रिलीजियस वर्क वीजा एक्चुअली पहले की टी फाइव के नाम से मशहूर थी वीजा कैटेगरी लेकिन अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है टेम्प्रेरी रिलीजियस वर्क वीजा के नाम से जैसे कि इस वीजा कैटेगरी के नाम से ही पता चल रहा है कि इट्स अ रिलीजियस वर्क वीजा मतलब मजहब से रिलेटेड कामों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं यूके के अंदर अगर कोई भी मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा चर्च आपको स्पॉन्सर करती है यूके के अंदर तो आप इस वीजा कैटेगरी पे आ सकते हैं बट यहाँ तक की बात नहीं रहती अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन भी स्पॉसर करना चाहती है जो रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है और आपको वो यूके बुलाना चाहती है तो भी आप यूके आ सकते हैं हैं इस वीज़ा कैटेगरी के अंदर और इसके लिए रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है को आप मौजन कोई, कोई, कोई आप हो 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 कोई 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 कुरान फादर या पंडित हो या फिर आप गुरुद्वारे में काम करते या हो या फिर आपके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस हो या फिर आपके पास कोई रेलिवेंट डिग्री हो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस वीजा कैटेगरी के लिए एज लॉन्ग एज यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग रिलीजियस वर्क इन एनी यू नो प्लेस लाइक मंदिर गुरुद्वारा और आपके पास मस्जिद आप आ सकते हैं इस वीजा कैटेगरी के ऊपर बस आपको 18 साल से ऊपर होना जरूरी है और आपका अपना इंटरेस्ट होना जरूरी है कि आप रिलीजन से रिलेटेड काम करना चाहते हैं इस वीज़ा कैटेगरी की सबसे अच्छी बात यह है कि इस वीज़ा कैटेगरी पे आप अपने सारे डिपेंडेंट्स अपने साथ लेके आ सकते हैं अपना इस्पाउस लेके आ सकते हैं अपने बच्चे लेके आ सकते हैं और दूसरी अच्छी बात यह इस वीज़ा कैटेगरी की इंग्लिश की एसच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना ही डिपेंडेंट्स के लिए ना ही मेन एप्लीकेंट के लिए आप लोग बिना इंग्लिश की कोई रिक्वायरमेंट फुलफ़िल किए यू आ सकते हैं आपका स्पाउस अगर आपके साथ आता है तो यहाँ फुल टाइम जॉब कर सकता है इवन अगर आप यूके में मौजूद है और किसी और वीज़ा कैटेगरी पर मौजूद है आप चाहें तो इस वीज़ा कैटेगरी पर अपने वीज़े को स्विच भी करवा सकते हैं

इस वीज़ा कैटेगरी पर अप्लाई करने के बाद लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वीज़ा कैटेगरी की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं कौन सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए क्या काम आप इस वीज़ा कैटेगरी पर रह के कर सकते हैं क्या आपको अलाउ नहीं होगा और इसके अलावा आपको कितनी फीस भरनी इस वीज़ा कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए कितने आपके पास फंड्स होने चाहिए बैंक के अंदर सो जनाब द वीज़ा कैटेगरी नेम इज़ रिलीजियस वर्क वीज़ा टेम्प्रेरी वर्क टेम्प्रेरी वर्क से मुराद ये है कि आप कुछ अर्से यूके में रह सकते हैं काम कर सकते हैं वीजे को एक्सटेंड कर सकते हैं बट दिस डजन लीड टू आई एल आर अ ब्रिटिश नेशनलिटी इट्स सेल्फ बट द गुड थिंग इज दिस इज स्विचेबल वीजा कैटेगरी आप इसको किसी भी और वीजा कैटेगरी पे स्विच करवा सकते हैं आसानी से लेकिन अगर आप इस वीजा कैटेगरी पे आते हैं तो आप सपोर्ट करेंगे जितनी भी रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं किसी भी मजहब से रिलेटेड लेकिन आप इस वीजा जहाँ पे कोई पढ़ाने का काम कोई प्रीचिंग का काम करें आप प्रीच नहीं कर सकते बट आप इसके ऊपर सपोर्ट वर्क कर सकते हैं देखिए यहाँ पे भी ये बता रहे हैं कि नॉन पेस्टल रोल में आपने काम करना है एलिजिबिलिटी को आपको मीट करना चाहिए इसके अलावा यहाँ पे ये, ये भी बता रहे हैं कि ये टी फाइव पहले वीजा

किसी और वीजा कैटेगरी से स्विच करवा रहे हैं तो एट वीक्स के अंदर इसका रिजल्ट आएगा अब बात कर लेते हैं कि इस वीजा कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए कितनी कॉस्ट आएगी देखें जो तो एप्लीकेशन कॉस्ट है वह है टू पर पर्सन उसके अलावा आपने आईएचएस एच भरने जो कि है 624 पर पर्सन मतलब मेन एप्लीकेंट की फीस अलग होगी बच्चों की अलग होगी आपके स्पाउस की अलग फीस होगी इसके अलावा आपने कुछ पर्सनल सेविंग भी दिखाने ये सिर्फ आपने बैंक में पैसे रखने किसी को देने नहीं, नहीं, नहीं है कोई चार्जेस नहीं है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो कहते हैं कि सी होना आपके पास जरूरी है और पर्सनल सेविंग के नाम पर एक पाउंड आपके बैंक में पर पर्सन होने चाहिए इसके अलावा आपको अठारह साल से ऊपर होना है जब आप इस वीजा कैटेगरी पर अप्लाई कर रहे हो अच्छा इस वीजे की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे सैलरी की ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है देखें जो भी आपको यूके में जॉब देगा वो आपको सैलरी देगा मिनिमम वेज तो आपको ऑफर करेगा करेगा यहाँ वो कह रहे हैं कि वेज हो लेकिन सैलरी का थ्रेश नहीं दिया हुआ कि इतने हज़ार पाउंड आपको मिलने चाहिए जो को भी आपको स्पॉन्सरशिप यूके में दे रहा होता है ना वो आपको मिनिमम वेजेस जरूर ऑफर करता है अब अगर बात की जाए कि वीजा कितने साल के लिए वैलिड होता है तो ये वीज़ा दो साल के लिए वैलिड होता है दो साल के अंदर आप चाहे तो उसको स्विच भी करवा सकते किसी और कैटेगरी पे या चाहे तो आप इस पर काम कर सकते हैं मुसलसल और बाद में इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं अगर आपका स्पॉन्सरशिप को फर्दर एक्सटेंड करना चाहे अब देखते हैं कि आप क्या काम कर सकते हैं इस वीज़ा कैटेगरी पे कर रहकर और का क्या काम नहीं कर सकते इस वीज़ा कैटेगरी पे कर रहते हुए आप डिफरेंट तरह के सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं लाइक थ्री मंथ के कोर्सेज होते हैं सिक्स मंथ के कोर्सेज डिफरेंट होते हैं यहाँ पे अब वो कर सकते हैं इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं जैसे सपोज आप किसी मंदिर के साथ काम करें मस्जिद के साथ काम करें और आपको कोई और डिफरेंट मस्जिद या मंदिर ऑफर करती है जो आपके हमारे साथ भी काम करें तो ट्वेंटी आवर्स आप उनके साथ भी काम कर सकते हैं मतलब फोर्टी आवर्स आप ऑलरेडी कर रहे होंगे और ट्वेंटी आवर्स उनके साथ भी जाके काम कर सकते हैं तो आपके पास ज़्यादा चांसेस है ज़्यादा पैसा बनाने Thank you. इसके अलावा अगर स्किल्ड वीजा ऑक्यूपेशन लिस्ट में से कोई ऐसी जॉब है जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है जो आपको समझ में आती है आपको लगता है आप ये कर सकते हैं तो आप उस पर भी ट्वेंटी आवर्स काम कर सकते हैं इसके अलावा जी ये कहते हैं कि आप अपने पार्टनर को अपने स्पाउस को अपने बच्चों को एज अ डिपेंडेंट यूके में ला सकते हैं अपने साथ इस वीजा कैटेगरी पे रहते हुए और आप किसी भी तरह के पब्लिक फंड को एक्सेस नहीं कर सकते इस वीजा कटेगरी अब हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस वीजा कैटेगरी पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो देखें कॉमन सेंस है कि हमें पासपोर्ट चाहिए पासपोर्ट होगा तो आप अपलाई करेंगे ठीक है पासपोर्ट के अलावा आपको सी लेटर चाहिए उसके अलावा आप तो 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 आपको बैंक स्टेटमेंट दिखा। दिखा दिखा दिखाने जिसमें आपने ये प्रूफ करना है कि आपके बैंक में इतने पैसे हैं इतनी सेविंग्स हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियसली मेंशन किया है कि एक पाउंड आपके बैंक में होने चाहिए पर पर्सन के लिए तो आपने उसका प्रूफ दिखाना है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं उसके अलावा आपने प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप दिखाना है कि आपका आपके स्पाउस के साथ जन्म रिलेशन और बच्चों के साथ जन्म रिलेशन है तो आप उसमें अपने बर्थ सर्टिफिकेट दिखाएंगे बच्चों के और स्पाउस के लिए आप मैरिज सर्टिफिकेट या फिर आपके सिविल मैरिज हुई है तो उसका सर्टिफिकेट आप दिखाएंगे इसके अलावा आपको टीबी टेस्ट करवाना पड़ेगा उसका सर्टिफिकेट दिखाना है कि आपका टीबी

गूगल पे जाए लिखे रिलीजियस वर्क वीज़ा वर्कू के और जितनी भी रिलीजन से रिलेटेड जॉब्स होंगी वो आपके पास निकल के आ जाएंगी दूसरा तरीका यह है कि कंपनी जॉब्स डॉट को डॉट यू के वेबसाइट पे जाए स्पॉन्सरशिप जॉब तलाश करें इसको बचा कर आपने की वर्ड लिखना है रिलीजियस वर्कर और कैटेगरी सेलेक्ट करनी है रिलीजन की इसके अंदर और जितनी भी रिलीजियस वर्क से रिलेटेड स्पॉसर जॉब्स होंगी ना वो यहाँ पे आपके पास निकल के आ जाएंगी आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेंटी ऑफ जॉब्स अवेलेबल है रिलेटेड टू रिलीजियस वर्क यहाँ पे कंपनी जैसे यहाँ लेटर इशू किए हैं इसका मतलब है इन्होंने बीस लोग को स्पॉन्सर किया हुआ है रिलीजियस वर्क से रिलेटेड काम के लिए अच्छा यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दू वैसे तो रिलीजियस वर्क से रिलेटेड जॉब्स के लिए एस किसी किसम के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है लेकिन अगर जॉब मैनेजीरोल लेवल की होती है और रिलीजियस वर्क इन्वॉल्व होता है उसके अंदर जहां पे आपने ट्रेनिंग कंडक्ट करनी है सेशन कंडक्ट करने तो वहां पे वो आपसे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड करेंगे अच्छा जी जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि ये वीजा कैटेगरी इट्स सेल्फ आई की तरफ या ब्रिटिश नेशनलिटी की तरफ नहीं जाती लेकिन अगर आप इस वीजा कैटेगरी पर अप्लाई करते हैं और अपने स्पाउस के साथ इस वीजा कैटेगरी पर आते हैं तो आपका स्पाउस यहां पर फुल टाइम जॉब कर सकता है देखें अगर आपके स्पाउस को यहां पर जब आप यूके के अंदर होते हैं आपके पास वर्क राइट्स होते हैं और आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जॉब ईजीली मिल जाती है और जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आपकी कारकर्दगी की बेस पर आपको भी यहां पर आसानी से ऑफर हो जाती है क्योंकि ये आसान होता है किसी भी एंप्लॉयर के लिए जज करना है कि कौन सा एम्प्लॉय उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट सकता है कौन एम्प्लॉय उसके लिए एसे बन सकता है सो so, अगर आपका स्पाउस स्पॉन्सरशिप फाइंड करने में कामयाब हो जाता है तो आप अपनी वीजा कैटेगरी आसानी से स्विच करवा सकते हैं अपने स्पाउस की बेस देन आप इजिली यहाँ पे पी के लिए अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम सो आप ये कह सकते हैं कि यह कैटेगरी डायरेक्टली पी की तरफ नहीं जाती बट इनडायरेक्टली जाती है अगर आप अपने स्पाउस के साथ यहाँ आ रहे हैं आपका स्पाउस क्वालिफाइड है आपके स्पाउस के पास एक्सपीरियंस है और वो यहाँ जॉब आसानी से ढूंढ सकता है क्योंकि जिसके पास भी एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन है यूके में उसको जॉब मिल जाती है थोड़ी स्ट्रगल होती है लेकिन मिलती जरूर है सो so, जनाब आज के ब्लॉग से इतना ही था बट दिस इज़ अ वन ऑफ द फर्स्ट वीडियो जो मैंने पोस्ट करी है किसी भी तरह के वीज़े से रिलेटेड इसके बाद ही मैंने आगे बहुत सारी वीडियोस पोस्ट करनी है जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं अगर आप स्किल वीज़ा में नहीं अप्लाई कर सकते या स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू यूके नहीं आ सकते सो so, जनाब अगर आपको आज की वीडियो का कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो आपने लाइक शेयर एंड कॉमेंट जरूर करना मुझे अपने फीडबैक जरूर देना है इन नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक अपना बहुत ख्याल रखेंगे मुझे तो आमें याद रखिएगा टेक केयर बाय बाय अला हाफिज़